Hello guys, hello from Hungary. This is the day 2 in Budapest and welcome to my YouTube channel. So, अभी मैं हॉस्टल से चेकआउट करके आई हूँ. हमारा 11 बजे का चेकआउट था लेकिन मैं 10 बजे चेकआउट कराई ताकि मैं भी थोड़ा जा करके पार्लियामेंट बिल्डिंग वगैरह देख सकूँ. कल हमने जहाँ तक है मैंने दिखाया था मैं क्रूज राइड पे गई थी लेकिन बहुत ज़्यादा फॉगी था, इस वजह से मैं ज़्यादा कुछ देख नहीं पाई, पार्लियामेंट वगैरह की लाइट्स नहीं देख पाई. लेकिन अभी मैं जा रही हूँ, आज हमारी टिकट्स है तो हम पार्लियामेंट बिल्डिंग देखने जाएंगे जो यहाँ की काफ़ी फेमस है. और मेरे को एक वीडियो बनाना था जो चेन ब्रिज है यहाँ का बहुत फेमस, और मूवी का शूट भी था वहाँ पर, तो बट वो नहीं हो पाया क्योंकि वो क्लोज था. तो अभी मैं टाइम से नीचे आ गई हूँ और मैंने यहाँ पर देखा कि थोड़ी सी डेकोरेशन है, तो मैंने कहा चल ठीक है फ़ोटोज़ ले लेते हैं जब तक कोई नहीं आया है. तो मेरे पीछे ये बहुत ही प्यारा सा डेकोरेशन है और मैं दिखाती हूँ. क्रिसमस और न्यू ईयर का डेकोरेशन अभी तक था और जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा था. और सामने ये है म्यूज़ियम ऑफ इल्यूजन, हमारे हॉस्टल के जस्ट नीचे था तो हम जा नहीं पाए, बट अच्छी जगह है देखने लायक. तो जैसे कि हम पार्लियामेंट बिल्डिंग जा रहे थे तो हमें रास्ते में ये आर्ट गैलरी मिली जो कि काफ़ी सुंदर थी. इसमें 3D पेंटिंग्स थी और काफ़ी डिजिटल मॉडर्न आर्ट को एक्सप्लेन किया गया था, लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव पेंटिंग्स थी और मुझे काफ़ी पेंटिंग्स पसंद आई, स्पेशली ये फ्लावर वाली. इसमें कलर कंट्रास्ट बहुत अच्छा था. और ये थी 3D वाली, इसमें ये बंदा चिल्ला आ रहा है, मतलब काफ़ी अच्छा डिजिटल आर्ट लुक है. सो व्हाइल वॉकिंग वी सो अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी स्पेशली फॉर किड्स फ्रॉम 9 AM टू 9 PM. और ये स्केटिंग ऑन बोर्ड्स है जस्ट लाइक स्नो, बट स्नो नहीं है तो वेकेशन के टाइम पे इन्होंने स्पेशली ये एक्टिविटी ऑर्गेनाइज किया किड्स के लिए. इसके बाद हम चले थोड़ा अपना पार्लियामेंट बिल्डिंग की तरफ और बीच में ये स्क्वायर पड़ा. इसमें मुझे ये बिल्डिंग्स का आर्किटेक्ट काफ़ी अच्छा लगा और सेंटर में इसके एक पार्क और स्टैचू भी था. इसके जस्ट सामने हमें यहाँ पे मिला पार्लियामेंट बिल्डिंग. फाइनली हम पहुँच चुके हैं पार्लियामेंट बिल्डिंग और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है. इफ़ यू डोंट वॉन्ट अ वॉक देन यू कैन टेक द ट्राम नंबर 28 दैट विल लीव यू जस्ट इन फ्रंट ऑफ पार्लियामेंट बिल्डिंग. बट हमें थोड़ा सिटी एक्सप्लोर करना था ऑन फुट, तभी हम पैदल निकले और हमने काफ़ी चीज़ें बीच में देखी भी सही, बट मुझे समझ नहीं आता कि मुझे ट्राम्स इतनी क्यूट क्यों लगती हैं, लाइक पता नहीं. यहाँ बहुत ज़्यादा विंडी है, टेम्परेचर 5 डिग्री हुआ पड़ा है और धूप है लेकिन हाथ बर्फ़ हुए पड़े हैं, बहुत बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है. लेकिन मैं आपको पार्लियामेंट दिखाती हूँ, थोड़ा इस डायरेक्शन में आएगा. ये है वो बिल्डिंग जिसको हमने रात को क्रूज से देखा था और इसकी लाइट्स बहुत ही सुंदर थी, लेकिन फॉग की वजह से हम बहुत अच्छे से नहीं देख पाए. जैसे ही हम पार्लियामेंट हाउस में एंटर करे, काफ़ी हाई लेवल सिक्योरिटी चेक था और हमारा सारा स्टफ स्कैन हुआ और यहाँ पर हमारी जैकेट्स वगैरह सबमिट हुई, हमें हैंडसेट्स मिले. उसके बाद हमारा टूर शुरू हुआ और हमें ये खाली 4th फ्लोर ही दिखाएंगे बिकॉज पब्लिक के लिए खाली वही ओपन है, बाकी एरिया रिस्ट्रिक्टेड है. जैसे इंडिया में हमारा संसद भवन है और वहाँ पर भी आप ऐसे हर चीज़ विजिट नहीं कर सकते बिकॉज एवरीथिंग इज़ नॉट ओपन फॉर टूरिस्ट. और पब्लिक गैलरी में से आप थोड़ा बहुत देख सकते हो, ऐसे ही हमें ये स्पेशली गाइडेड टूर लेकर के गए थे 4th फ्लोर पर. और अगर इसकी हिस्ट्री की बात की जाए तो ये जो वॉल्स हैं ये काफ़ी शाइनी कॉपर से बनी है. इसको हंगेरियन पार्लियामेंट बिल्डिंग और पार्लियामेंट ऑफ बुडापेस्ट भी कहते हैं और ये 1902 में ओपन किया था एंड इट वॉज डिज़ाइन बाय इमरे स्टैंडल इन न्यू गॉथिक स्टाइल. द मोस्ट अमेजिंग फैक्ट, इट हैज़ बीन द टॉलेस्ट बिल्डिंग सिंस आफ्टर इट्स कंप्लीशन इन हंगरी. This building consists of 691 rooms, 29 staircases and 10 courtyards. Apart from that, 40 million bricks was used to make this building and 40 kilograms of gold. After crossing lobby, then we enter into this grand stairway, is also known as the main staircase of Parliament building. Iske just samne hi dome hole hai jahan par pictures lena totally forbidden tha. बिकॉज वहाँ पर होली क्राउन ऑफ हंगरी रखा हुआ है और 2 सोल्जर्स हमेशा उसकी रखवाली के लिए होते हैं. डोम होल को क्रॉस करने के बाद लॉन्च ऑफ चैम्बर ऑफ पीयर्स है. यहाँ पर एंशियंट टाइम में जो किंग्स और फेमस पर्सनैलिटीज़ थी हंगरी के, उनके स्टैचूज वगैरह बनाए हुए हैं वॉल्स पे. और आप अगर बुडापेस्ट विजिट कर रहे हैं तो ये मस्ट है देखना. और इसका जो टिकट का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, आप वहाँ से जाकर के एडवांस में ही टिकट्स बुक कर सकते हो. अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग
हॉल ऑफ दिस बिल्डिंग असेंबली हॉल ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ हंगरी, जैसे हमारे इंडिया में लोकसभा और राज्यसभा मीटिंग्स होती हैं पार्लियामेंट सेंट्रल हॉल में, वैसे ही यहाँ पर सारी पॉलिटिकल मीटिंग्स वगैरह इस हॉल में होती हैं। तो ये 45 मिनट्स का गाइडेड टूर था जो कि ख़त्म हो गया है, लेकिन ये लास्ट लॉबी जो है यहाँ से ये पूरा दानुबाई रिवर दिख रही है और बुढ़ा साइज दिख रहा है बिकॉज अभी हम पेस्ट साइड हैं और यहीं से सारी क्रूज राइड होती हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट इस जगह का, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है पार्लियामेंट बिल्डिंग। अब हम सीधा फोर्थ फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं बिकॉज यहाँ पर एक एग्जीबिशन था जो कि हम देख सकते हैं, और यहाँ पर एक मॉडल है पार्लियामेंट बिल्डिंग का। डू यू नो इस बिल्डिंग को बनने में 17 साल लगे थे और 23 साल के बाद ही इसका रेनोवेशन दोबारा शुरू हो गया था बिकॉज इसमें जो स्टोन्स लगे थे वो काफ़ी सॉफ्ट थे। ये थोड़ा इनसाइट है पूरे एग्जीबिशन का, हालांकि मैं यहाँ पे ज़्यादा रुकी नहीं ये सब कुछ रीड करने के लिए बिकॉज मैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए लेट हो रही थी। पार्लियामेंट बिल्डिंग्स निकलने के बाद मैं आ गई हूँ फिर से क्रिसमस और न्यू ईयर मार्केट में। बाय द वे, अगर आपने मेरा डे वन बुडापेस्ट का व्लॉग नहीं चेक किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक है। तो जैसे कि कल मैं सेंट सेबास्टियन बेसिलिका नहीं देख पाई थी बिकॉज हम फिशरमैन बास्टियन के लिए लेट हो रहे थे, तो मैं आज वापस आई हूँ ये देखने के लिए। ये काइंड ऑफ चर्च है और इसके जो टेरेस से है वो पूरी सिटी का व्यू मिलता है। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात, मेरे को इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री मिली है और जबकि लोग पे कर रहे थे। डोंट यू थिंक फ्री ऑफ कॉस्ट, हाउ इज दैट पॉसिबल? बिकॉज मेरे पास टीचर्स कार्ड है, अगर आपके पास ISIC कार्ड है या स्टूडेंट कार्ड है उसके भी आपको डिस्काउंट मिलेगा यहाँ पर, और आप फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी सिटी का व्यू ले सकते हैं। यहाँ पे पूरे डेकोरेशन वगैरह हो रहा था और ये रोमन कैथलिक बेसिलिका है और इसका नाम जो हंगरी के फर्स्ट किंग स्टेफन थे उनके नाम पे रखा गया, और आज की डेट में ये हंगरी का थर्ड लार्जेस्ट चर्च है। इसकी जो डेकोरेशन और पेंटिंग्स है वो काफ़ी रिमार्केबल है। अगर आप ध्यान से देखोगे इसकी सीलिंग को तो आपको डिफरेंट काइंड ऑफ मार्बल्स दिखेंगे, स्टेन ग्लासेस दिखेंगे, मोज़ेक और पेंटिंग स्कल्पचर। ट्रूली स्पीकिंग इट वाज वेरी वेरी मच रिच इन डेकोरेशन। जैसे ही हम चर्च की एग्जिट वाली साइड जाते हैं बिकॉज वहीं पर ही लिफ्ट है टावर के लिए, तो हमारा बीच में ये बॉक्स पड़ता है जिसके अंदर काफ़ी अच्छे से सेव करके रखा हुआ है स्टेफन का मम्मीफाइड हैंड जो कि 1000 साल पुराना है, वर्ल्ड वॉर 2 का, और पूरे हंगरी में इसकी काफ़ी रिस्पेक्ट है। हम जैसे लिफ्ट से ऊपर वाले फ्लोर पर आए, यहाँ पर एक छोटी सी गैलरी है क्यूट सी जिसके अंदर काफ़ी हैंडमेड प्रोडक्ट्स वगैरह है और हम उनको परचेज़ वगैरह कर सकते हैं। हालांकि ये एक्सपेंसिव हैं बिकॉज ये चर्च के अंदर हैं, लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने काफ़ी वैरायटी के लिए क्रिसमस और न्यू ईयर का स्टफ़ लगा रखा है। अब यहाँ पर जो मैंने गड़बड़ी करी वो आप ना करना बिकॉज ये जो स्टेयर्स हैं ये वापस आने के लिए है और मैं इन्हीं स्टेयर से ऊपर चढ़ गई। लिफ्ट थी जाने के लिए टावर तक और मैं अराउंड 100 स्टेयर्स चढ़ करके ऊपर यहाँ टावर पे पहुँची, और ये स्टेयर्स सही में बहुत ज़्यादा रिस्की थी और पता नहीं मुझे क्यों लिफ्ट नहीं दिखी वहाँ पर, बट अब ठीक है मैं पहुँच गई हूँ तो सिटी का व्यू लिया जाए। सो फाइनली हेलो बुडापेस्ट फ्रॉम द टॉप, और यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है, सनसेट भी देखने को मिल गया मुझे, वो भी बिल्कुल मुफ्त मुफ्त मुफ्त। मैं फटाफट ये सनसेट वाला व्यू शूट करके अपना पिक्चर्स और रील्स में लग गई थी, तो तब तक मैंने वो बनाया ताकि नाइट लाइट्स ऑन हो जाएं, और जैसे ही लाइट्स ऑन हुई वो कुछ ऐसी लगती हैं जो कि काफ़ी सुंदर था। ये क्रिसमस मार्केट थी नीचे, और ये फेरिस व्हील है, यहीं पास में हमारा हॉस्टल है, और सनसेट के साथ मून नोटिस किया, बहुत सुंदर लग रहा था। ऊपर टावर पर काफ़ी ठंड बढ़ गई तो मैं वापस नीचे आ गई, लेकिन जिस साइड से मैं नीचे एलिवेटर से नीचे आई हूँ वो रास्ता था ऊपर जाने का व्यू देखने के लिए, तो मैं गलत साइड से गई और मैं गलत साइड से आई। ये प्योरी क्यू थी ऊपर जाने के लिए लिफ्ट से, लेकिन मैं गलत साइड से चढ़ कर के गई और मैंने एक्स्ट्रा मेहनत करी बेफालतू में, तो वो गलती प्लीज़ मत करना तुम लोग जो कुछ भी कोई भी जा रहा है बुडापेस्ट, और ध्यान रखना कि अपना कोई पास हो कार्ड हो वो लेकर के जाना कोविन का, लाइक यूथ कार्ड, ताकि तुम्हें डिस्काउंट मिल सके। अब मैं चर्च से बाहर आ चुकी हूँ और ये मैंने टिकट के प्राइसेस की और चर्च के मैप की पिक्चर अटैच कर दी है, और ये देखा जाए तो ये क्रिसमस ट्री काफ़ी लश्कारे मार रहा है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर ज़रूर करना, और लास्ट तक देखना कि मैंने क्या नया ट्राई किया। सो आई फाउंड दिस चिमनी केक, ये यहाँ का काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल फूड है, और जो मैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन जा रही हूँ वहाँ का भी ये बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल फूड है।
तो जैसे हम इंडिया में भटूरा बेलते हैं, वैसे ही ये मैदे को पूरा बेलते हैं और उसका पूरा से लेयर्स बनाते हैं और उसको भट्टी में सेकते हैं काफ़ी देर तक, और फिर उसके बाद अलग अलग फ्लेवर्स में कोट करके देते हैं। शुगर हो गया, सिनेमन हो गया। जैसे कि मैं एग एलर्जिक हूँ, मैं चिमनी केक यहाँ पर ट्राई नहीं कर पाई, बट मेरे को एक और शॉप मिल गई जहाँ पर मैंने चिमनी केक ट्राई किया और वहाँ पर एग फ्री था और काफ़ी फ्लेवर्स भी थे यहाँ पर, लाइक व्हिप्ड क्रीम, न्यूट्रेला, आइसक्रीम। और मेरे को जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो मैंने कोकोनट और वॉलनट वाला लिया, जो वाकई में बहुत टेस्टी था। अब खाने के बाद हम सीधा यहाँ से नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकले। बाय बुडापेस्ट, अंटिल नेक्स्ट टाइम।